हमारी दुआओं का तोहफा खैरियत की चार चले, मुस्कुराता हुआ मुस्तकबिल, मुस्कुराता हुआ हाल चले, यही ख्वाहिश, यही आरज़ू, यही तमन्ना है सबकी दादा, तुम्हारे जन्मदिन का सिलसिला यूं ही सब साल चले। कहते हैं कि जन्मदिन पर पेश की हुई शायरी से बड़ा तोहफा कुछ और हो ही नहीं सकता। नवी मुंबई के मशहूर शायर और कट्टर गणेश नाइक समर्थक खेड़े गांव के सुपुत्र मदीन पटेल ने ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के जन्मदिन पर आयोजित अभिष्ट चिंतन समारोह में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे तो फिर एक बार अपने शायराने अंदाज में एक नहीं तो दो शायरी पेश कर अपने नेता गणेश नाइक को जन्मदिन की अनोखे अंदाज में शुभकामनाएं दी। अगर झूठ लगे तो हाथ नीचे रखो और अगर सच लगे तो हाथ ऊपर रखो। नवी मुंबई का एहसास हो तुम, नवी मुंबई का एहसास हो तुम, नवी मुंबई के लिए खास हो तुम, नवी मुंबई का एहसास हो तुम, नवी मुंबई के लिए खास हो तुम, नवी मुंबई नंबर वन है क्योंकि नवी मुंबई के पास हो तुम। ये तो हुआ दादा और नवी मुंबई का कनेक्शन। अभी जन्मदिन की शायरी पेश कर रहा हूँ, जरा इस पर भी गौर कीजिए कि हमारी दुआओं का तोहफा खैरियत की चाल चले, हमारी दुआओं का तोहफा खैरियत की चाल चले, मुस्कुराता हुआ मुस्तकबिल मतलब भविष्य और मुस्कुराता हुआ हाल मतलब वर्तमान चले, हमारी दुआओं का तोहफा खैरियत की चाल चले, मुस्कुराता हुआ मुस्तकबिल मुस्कुराता हुआ हाल चले, यही ख्वाहिश, यही आरज़ू, यही तमन्ना है सबकी दादा, तुम्हारे जन्मदिन का सिलसिला यूं ही सब साल चले। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।